हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज एवरीथिंग। इन डेल्टा कनेक्शन देयर आर ओनली थ्री वायर्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल द थ्री वायर्स आर फेजेस, नो न्यूट्रल इन डेल्टा कनेक्शन। यू कैन सी द फोटो। ए डेल्टा कनेक्शन इज अ थ्री वायर कनेक्शन। हेयर द थ्री वायर आर वाई एंड बी, थ्री आर फेजेस, नो न्यूट्रल अवेलेबल। In delta connection of terminals, the end of each coil is connected to the starting point of the other coil. That means the opposite terminal of the coils are connected together. Delta connection पे जो coil का, हर coil का जो end point रहता है वो दूसरे, मतलब opposite coil का starting point के साथ connected रहता है। आप ये photo पे देख सकते हो। इन डेल्टा कनेक्शन लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू फेज वोल्टेज एंड ऑल्सो लाइन करेंट इज इक्वल्स टू रूट थ्री टाइम्स ऑफ फेज करेंट। डेल्टा कनेक्शन पे आपका जो वोल्टेज रहता है, लाइन वोल्टेज और जो फेज वोल्टेज रहता है, दोनों सेम रहता है। इसलिए डेल्टा कनेक्शन पे आपको जो रिसीविंग वोल्टेज मिलता है वो हर एक वाइंडिंग पे 415 वोल्ट मिलता है। डेल्टा कनेक्शन पे आपको जो वोल्टेज मिलता है वो हाई वोल्टेज रहता है, 415 वोल्ट। इसलिए आपको जो स्पीड मिलता है मोटर का वो भी हाई स्पीड मिलता है। डेल्टा कनेक्शन पे आपका वोल्टेज हाई रहता है इसलिए आपका स्पीड भी ज़्यादा रहता है। उसके वजह से आपका जो मोटर का जो टर्न्स रहता है, नंबर ऑफ टर्न्स, वो भी ज़्यादा रहता है। डेल्टा कनेक्शन जनरली यूज डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। डेल्टा कनेक्शन हम लोग यूज करते हैं शॉर्ट डिस्टेंस के लिए और जहाँ पे हम लोग को हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए वहाँ पे हम लोग डेल्टा कनेक्शन यूज करते हैं। हेलो फ्रेंड, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।